नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है गमले में मेथी उगाएंगे। दरअसल क्या है, मेथी जो है वो मैंने भिगोई तो थी अपने खाने के लिए, ये खाने के लिए मैंने भिगोई थी मेथी, लेकिन क्या है दो दिन ऐसे बिजी रहा तो इसको खा नहीं पाया, तो हमने सोचा चलो आज इसकी जो है गमले में एक बोई देते हैं उन भाइयों के लिए जो जिनके पास छोटी छत है और बालकनी वगैरह है, तो उसमें आप छोटे से पोट में आप बो सकते हो। जैसे मैं मेथी बो रहा हूँ, ऐसी मैंने मिर्च भी बो रखी है। देखो ये मिर्च मैंने गमले में लगा, इसमें लगा रखी है गमले में, आप इसका देखो कितना फ्लोरिंग है, और ये गमला भी देखो ये फटा हुआ है। मैं इसको मैं इतना ही पानी देता हूँ कि ये जो है ज़िंदा रहे। आप मिर्च देखो इसमें कितनी लग रही है, एक परिवार के लिए बहुत है ये मिर्च खाने के लिए। तो ये मेथी, क्योंकि मैं रोज़ एक चम्मच मेथी भिगो देता हूँ और उसको अपना खा लेता हूँ, अब ये ध्यान नहीं रही थी खानी, तो हमने सोचा चलो इसको बो ही देते हैं। अब ये देखो हरी सब्जी के लिए तो काम आती है, और ये अपना वैसे भी मसाले में भी ये काम आती है, और इसके फ़ायदे तो आप लोगों को पता ही हैं। अब ये एक छोटा सा मेरा एक गमला था, ये देखो ये एक गमला, मैं इसमें ये साफ कर देता हूँ। और ये 31 दिन के बाद जो है काटने लायक हो जाती है। देसी मेथी है, कस्तूरी मेथी तो चलती रहती है, लेकिन कस्तूरी मेथी जो है अभी ठंड नहीं पड़ रही, तो जब वो ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी ना कस्तूरी मेथी तब बोएगी। ये तो दो तीन काट लगने के बाद ये तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो फिर बीज के लिए छोड़नी पड़ती है। और घरों में बीज के लिए क्या है, अपना घर में मेथी तो होती है साबत, उसको अपना लगा दो। तो इस तरह से तो मैं इसको जो है इस तरह से बखेर दूँगा, ये आप इस तरह से इसको बिखेर दो, क्योंकि ये भीगी हुई है तो ये जल्दी फूट जाएगी। वैसे तो दूसरी भी फूट जाती है लेकिन ये भीगी हुई है। और घर पे जो आदमी अपनी चीज़ बना उगा के जो खाता है ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है, उसमें आदमी को ज़्यादा खुशी मिलती है। और ऐसी मैं देखो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो मैं घर में जो फालतू पड़े होते हैं उनको जो है लगा देता हूँ। अभी इनको हम जो है इस तरह से करके इसमें जो है पानी दे देंगे। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिर्च का पेड़ है वो आप अपने घर पर जो है लगा सकते हो, एक दो मिर्च का पौधा ही आपको काफ़ी होंगे। मैं दिखाई ना कितनी मिर्च लगी हुई है उसमें, और इस पर थोड़ा सा ये मिट्टी इसको बस ये जिससे ये थोड़ा ढक जाए, मतलब जानवर ना खामे इसको। अब इसमें हम पानी दे देंगे, क्योंकि ये सितंबर ये अपना अक्टूबर नवंबर तक ही जो है लगती है, और कस्तूरी मेथी भी तुम्हारा नवंबर के लास्ट में या नवंबर के बीच में आप कस्तूरी मेथी लगा सकते हो। अब देखो जैसे मैंने ये एक बैंगन का पेड़ है, ये बैंगन का पेड़ है, ये बोए तो मैंने 15-20 थे, ले गए लोग बाग इसको, जो जानने वाले आते हैं कोई कहता है ये कोई पेड़ हो तो हमारे को दे दो, तो जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसको दे देता हूँ। अब ये एक बचा है बस ये, अब इसमें मैंने क्या है इसमें मैंने उसका बैंगन की और टमाटर की पौध जो है मैंने इसमें लगाई हुई है। अब ये मैंने कली लगाई है, अब ये जो है 2-4-5 दिन में ये निकलनी शुरू हो जाएगी। ऐसी ये मैंने यहाँ मिर्च का पेड़ लगा रखा है, ये मैंने ये पुदीना बोया था और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। अब इसको हम जो है कम से कम 10-15 दिन से 10-15 हाँ 10-1 दिन से तो हम इसको खाने लग रहे हैं। ये देखो
ऐसे ये मैंने गमले में लगाया था बैंगन का पेड़, देखो इस पर ये बैंगन आ रहे हैं। ये नीचे मैंने मिर्च की पौध लगाई थी, ये भी लगा देंगे कहीं। तो इस तरह जो है आप अपने घर में इसको लगा के और इसका जो है मज़ा लो अपना। जो अपनी बोई हुई सब्ज़ी होती है उसका तो कुछ मज़ा ही कुछ और होता है खाने का। इसी तरह टमाटर भी लगा सकते हो आप, धनिया हो गया, धनिया लगा लो, पुदीना हो गया, ऐसी छोटी मोटी चीज़ लगा सकते हो। भाई ये है कि हमारे को तो ये खुशी होती है, कोई आता है उसको हम अगर जो शेयर कर लेते हैं उसके साथ तो हमारे को भी खुशी रहती है, उसको भी बेचारे को पेड़ पौधे वगैरह मिल जाते हैं। अब ये नींबू है हमारा, ये अभी नींबू इस पे से हम तोड़ते तो है नहीं, ऐसे पुराना हो गया ये नींबू। अब ये मैं अपनी जेब में, अभी नीचे पड़े थे ये अपनी जेब में से, ये नींबू नीचे से उठाए हैं मैंने, अभी तो और एक दो तीन और पड़े हैं यहाँ पर। तो आप अपना इस तरह से उगा सकते हो और इसका आनंद लो। अब मेरे पास तो जितने पौधे थे तकरीबन ज़्यादातर निकल ही रहे हैं, थोड़े से मौसमी के पड़े हैं, वो मौसमी के दे देंगे। अभी दो चार लोगों ने कह रखा है कि अंकल जी हमारे को मौसमी के दे दो, दो चार किसान हैं उन्होंने भी कह रखा है कि हमारे को दे दो, तो ले जाएंगे। वो गुलदावदी के भी 8-10 पेड़ ही बचे हैं वो भी। अब ये सुबह का जो रूटीन होता है हमारा यही होता है, अपना कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं, अपना टाइम भी पास हो जाता है, इसी में अपना लगे रहते हैं, और कुछ घर की सब्ज़ी अपने को खाने के लिए मिल जाती है। अच्छा वीडियो, अच्छा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।